नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे के आखिरी दिन यानी आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि पल्स पोलियो अभियान के तहत 3,40,00,000 बच्चों को पोलियो खुराक दी जाएगी। सीएम योगी ने सदर जिला अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि 28 मार्च तक पल्स पोलियो अभियान चलेगा, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएगी। वहीं गोरखपुर में 6,83,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पल्स पोलियो अभियान को लेकर प्रशासन भी अभिभावकों से अपील कर रहा है कि वह अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं। वहीं पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने कोविड प्रबंधन की नई छाप प्रस्तुत की है और पीएम के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन को सराहा गया है और कोविड प्रबंधन में यूपी अग्रणी रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हर जनपद में लैब्स मौजूद हैं और प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को भी रोका गया है। दरअसल राज्य को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए रविवार यानी आज 20 मार्च से 28 मार्च तक चलने वाले पल्स पोलियो महाअभियान का गोरखपुर से शुभारंभ किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 1,10,000 बूथ बनाए गए हैं। पूर्व में चलाए गए पल्स पोलियो अभियान की तरह इस बार भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाने के लिए सोमवार से टीम एक बार फिर से डोर टू डोर जाएंगी। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि अभिभावक अपने अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की आयु के हैं उन्हें पोलियो से बचाने के लिए पल्स पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश का पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ महायोगी भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरती से एक बार फिर से हम इस संक्रामक महामारी जो अस्थाई दिव्यांगता का कारक भी बनती है, इसके उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कदमों को एक बार फिर से 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस अभियान का शुभारंभ आज यहां पर कर रहे हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पोलियो उन्मूलन के इस कार्यक्रम को आज से 12 वर्ष पहले सफलतापूर्वक इसका समाधान भी निकाल लिया था, लेकिन पिछले 12 वर्ष के दौरान जो बातें दुनिया के अंदर देखने को मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते यह इसका खतरा लगातार बना रह सकता है, इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। हम सब इस बारे में ध्यान में रखते हैं कि सामूहिकता पर कितनी ताकत होती है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट भी हम सब के सामने प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में हम इस बात को आसानी से जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भारत के अंदर 40 के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। और भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में
देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। इस योगी आदित्यनाथ 70,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के दौरान कई मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। भाजपा का मानना है कि विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के पीछे युवाओं और महिलाओं का काफी अहम योगदान रहा है, लिहाजा योगी 2.0 कैबिनेट में युवाओं और महिलाओं को तवज्जो मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है उनमें सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, सूर्य प्रताप शाही, एससीएम अरुण, बेबी रानी मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल, जय प्रताप सिंह, जितेन प्रसाद, अनिल राजभर का नाम शामिल है। इनमें से ज्यादातर पहले कार्यकाल में भी मंत्री रहे हैं। इनके अलावा कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। बता दें कि मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बातचीत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखपुर दौरे पर हैं। उनके लखनऊ पहुंचते ही मंत्रियों की सूची को फाइनल किया जाएगा। योगी मंत्रिमंडल में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए खुशखबरी है। अब यूपी के श्रमिक और मजदूरों के बच्चे आलिशान स्कूल में पढ़ाई करेंगे। खास बात यह है कि ये स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी के साथ ही इस रणनीति पर काम तेज हो गया है। ये स्कूल इसी साल अगस्त या सितम्बर महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। चंदगर के मुताबिक इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ टेबल कुर्सियां भी स्मार्ट ही होंगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय खुला जा रहा है। इन स्कूलों के शुरू होने के साथ ही यूपी में श्रमिक वर्ग के बच्चों की पढ़ाई करने के लिए एक नया अवसर मिलेगा। वे अमीर बच्चों की तरह ही आलिशान स्कूलों में बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और विधान परिषद के मौजूदा सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आगामी 26 मार्च को लखनऊ में होनी है। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और विधान परिषद के वर्तमान सदस्यों की बैठक 26 मार्च को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर होगी। इसमें सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। गौरतलब है कि पहले यह बैठक 21 मार्च को बुलाई गई थी, लेकिन विधान परिषद चुनाव के नामांकन की वजह से अब यह 26 मार्च को होगी। सपा के सूत्रों के मुताबिक इस महत्वपूर्ण बैठक में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय की समीक्षा के साथ साथ विधान परिषद के स्थानीय पदाधिकारी क्षेत्र के आगामी चुनाव की रणनीति पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इस बैठक में चुनाव के दौरान रही कमियों की समीक्षा होने और आगे की रणनीति तय किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई ने फर्रुखाबाद में 1200 करोड़ रुपए के हुए खाद घोटाले में एफआईआर दर्ज कर ली है। खास बात यह है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की है। वहीं सीबीआई को कल 21 मार्च को इस मामले में जांच रिपोर्ट पेश करनी है। जानकारी के मुताबिक इस संबंध में आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अविनाश कुमार मोदी की याचिका पर दिया है। दरअसल अविनाश ने अपनी याचिका में कहा था कि मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी मछलियों को छोड़कर याची को बलि का बकरा बनाया है। घोटाले में लिप्त बड़े सरकारी अधिकारियों में स्कैम करने वाली कंपनी मदन मादा फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स को बरी कर दिया गया और 20 नामजद आरोपियों में से केवल 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अविनाश ने कहा कि यह घोटाला वर्ष 1999 से 2000 के बीच का है। अविनाश ने खुद को निर्दोष बताते हुए इस मामले में जारी समन्वय चार्जशीट रद्द करने की मांग की है। याची अविनाश पर आरोप लगाया गया था कि उसने उज्जवल ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से मदन मादा फर्टिलाइजर कंपनी को 1200 करोड़ रुपए की खाद की आपूर्ति की थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।